पहले तो आप सबको बकरा ईद एडवांस मेरी तरह से मुबारक हो थैंक यू मेरा तीनों से बिजी बकरा ईद वाले दिन एडवांस करा दी इसने यार आप अभी रख मेरा आप तीनों से ये सवाल है कि अगर मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनना है तो मेरे में मुझे में कौन सी क्वालिटीज होना लाजमी अच्छा क्रिकेटर बनना है तो फिर इमरान भाई आप ही बताओ बेटा मेहनत के अलावा और कुछ नहीं है आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतना अच्छे क्रिकेटर बनेंगे वट एवर वो पढ़ाई हो कोई भी ऐसी फील्ड हो मेहनत और आपका फोकस होना चाहिए इमाम अच्छा कुछ ऐड करना चाहते हैं <laughs> क्या कहना चाहते हैं आई एम वेरी यंग टू आंसर दिस बट द थिंग इज देखे मैंने क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है ना हर बंदा जो है ना इट्स लाइक हमारे घर में भी ऐसे है ऐसा नहीं है कि हम नहीं है टिकटॉक का ज़माना आ गया है वो जो है ये वाला जो है तो मुझे बस ऐसा लगता है कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं ना वो थोड़ा सा जो है ना वो Shortcut. हाँ शॉर्ट वाला यही वाली बात मेरे जहन में नहीं है शॉर्टकट वाले रास्ते पे हम बहुत ज़्यादा चल पड़े हैं कि वो एक जो प्रॉपर एक उसका चैनल होता है ना वहाँ से हम जरा थोड़ा सा कम आते हैं तो अगर क्रिकेटर बनना है तो आप थोड़ा सा सब्र रखो पेशेंस रखो लेकिन इफ़ इट्स फॉर यू वो आपको ज़रूर मिलेगा ये हमारे मतलब अल्लाह की तरफ से भी है कि अगर आपके नसीब में है तो वो चीज़ मिलती है लेकिन ये है कि उसका एक प्रोसेस होता है उसका एक राइट पाथ होता है वो हम ज़रा थोड़ा सा बिल्कुल चैनल हमारा सही नहीं होता छोटे छोटे गोल्स होते हैं शॉर्ट गोल्स के चक्कर में फिर हम इधर उधर चले जाते हैं तो एक प्रॉपर चैनल से आना चाहिए तो वो अच्छा होता है अगला सवाल भाई आपके छोटे छोटे गोल नहीं है आपका क्या नाम है मोहम्मद अल्लाह क्या करते हैं तला एफएससी एफ तो कोई सवाल करेंगे भाई इमाम से मेरा सवाल है कि जब आप शे ऑफ होते हैं क्रिकेट में या आपकी कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तब उन उस दिनों में आपकी एक्टिविटीज क्या होती है मोबाइल देखना बस रायो, क्या होता है? सोशल मीडिया छुट्टी पे होते हैं तो ये कर तो रहे हैं छुट्टी पे जो करते हैं तंग कर रहे हैं शहजाद को ये क्रिकेट में कोई इंजरी हो जाए या आप टीम से बाहर देखिए जब जब इंजरी होती है तो आपका उसे कहते हैं रीहैप करते हैं वो आप एन में जाते हैं स्टेडियम में जाते हैं आपके डॉक्टर्स के साथ अगर तो आप इंजर्ड है तो आपका पूरा प्रोसेस होता है आपका एक डॉक्टर्स के साथ एक टाइम होता है कि आपका कितनी जल्दी आप वापस आ सकते हैं और अगर आप जैसे आप टी फॉर्मेट नहीं खेलते आप दो फॉर्मेट खेलते हैं तो उसके बाद जो इंटरनेशनल क्रिकेट होता है ना उसका कभी भी ऑफ सीजन नहीं होता वो अपनी ट्रेनिंग और अपनी जो क्रिकेट है वो उसको मेनटेन के लिए रोज वैसे ही तैयारी करता है कि जैसे आपका टूअर चल रहा है ताकि आपका जब आए तो आप उसके लिए रेडी हो अच्छा आ, 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 तीनों किस्म की एग्जाम्पल्स हैं एक नेशनल टीम में सेंट्रली कॉन्ट्रेक्टेड प्लेयर है एक रिटायर्ड नहीं है मगर टीम में भी नहीं है सेंट्रली और आप रिटायर हो चुके हैं जी है। तो आप तीनों से एक सवाल है इमाम आप तो एन जा सकते हैं ऑफिशियली जा सकते अहमद भाई आप भी जा सकते हैं yes. भाई, हुआ ये था कि जब ये छः में बनी थी तो कुछ रूल्स भी बदले थे छः में जी जी जब ये एन को एन एच पी सी एन एच पी सी बनाया था नेशनल हाई पर तो उसके पर बाद हमारे कुछ सीनियर प्लेयर्स इंक्लूडिंग मी जब एन गए तो हमें वहाँ नहीं जाने दिया हाँ नहीं जाने दिया तो जब एक दफ़ा रोक लिया फिर उसके बाद मैं नहीं गया उसके बाद मैंने ये मतलब आके जो भी ग्रीविनसिस थे मैंने अपने आप को कमरे में थोड़ा सा शीशे के सामने बताया कि हाँ ये रियलिटी है मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया था तो जहाँ पे आपने बचपन एन जब बना था तो हम लोग पहले थे जो कमरे वहाँ पे बात किए थे और फिर एक दिन आया कि जब नहीं जाने दिया तो वो दिन बहुत मुश्किल थे क्रिकेट खेलना ना खेलना तो एक हल बात थी ये सुन के वापस आके जब मैं अपने फैमिली के साथ या वाइफ के साथ ये चीज़ें डिस्कस की थी तो मैं बता नहीं सकता दैट वट वॉज अ फीलिंग लेकिन इसको डाइजेस्ट करना था ये लाइफ है इसमें ऐसी चीज़ें आनी है आपको अपने लिए अपने बैटल खुद ही लड़ने हैं मैंने एक चीज़ सीखी है ताबेश भाई ये दुनिया आपको कुछ नहीं देती है इवेंचुअली आपको अपने बैटल खुद फाइट करने हैं जब तक आप अपने हक़ के लिए खड़े नहीं होते हैं आपको कोई आपका हक नहीं देता सही बात वक्त हुआ एच एम कप खेलने का मगर उससे पहले एक बड़ी एक्साइटिंग खबर है मेरे पास क्रिकेट की एक्साइटमेंट तो थोड़ी सी कम हो चुकी है क्योंकि पाकिस्तान हमारे साथ अपनों में बनाने वापस आ रहे हैं पाकिस्तान की टीम मगर एक एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान की सबसे कामयाब एनिमेटेड फिल्म डोंकी किंग के मेन किरदार डोंकी किंग कल यानी फादर्स डे पे 16 जून कल है फादर्स डे मनाया जा रहा है कल उस पर एक ख़ास ऐलान करने वाले कोई नया ऐलान करने वाले क्या ऐलान करने वाले हैं तो कल ही पता चलेगा कोई वीडियो वीडियो हमारे पास लगाइए उनका क्लिप भी लीक हुआ है याद है ना फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे हम करने जा रहे हैं एक खास ऐलान मगर आपने घबराना नहीं है क्योंकि ये बड़े मजे का ऐलान है आना अहमद भाई डॉमकी किंग एक सही किंग है अच्छा हाँ हाँ <laughs> अच्छी फिल्म कही थी हमारे हाँ फिल्म ऐसी अच्छी लगती है यार मैंने फिल्मों में ये चीजें अच्छी लगती है नॉर्मल लाइफ में ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं